ओम शांति। 18/2/2022 की साकार मुरली। मीठे आज्ञाकारी बच्चे, तुम्हें सदा अतींद्रिय सुख में रहना है। कभी भी रोना नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी ऊंचे ते ऊंचा बाप मिला है। प्रश्न। अतींद्रिय सुख तुम गोप गोपियों का गाया हुआ है, देवताओं का नहीं, क्यों? उत्तर। क्योंकि तुम अभी ईश्वर की संतान बने हो, तुम मनुष्य को देवता बनाने वाले हो। जब देवता बन जाएंगे, तब फिर उतरना शुरू करेंगे, डिग्री कम होती जाएगी, इसलिए उनके सुख का गायन नहीं है। यह तो तुम बच्चों के सुख का गायन करते हैं। गीत मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कदम कदम बाप की राय पर चलना है, पूरा पूरा बलिहार जाना है। जहां बिठाएं, जो खिलाएं, ऐसा आज्ञाकारी होकर रहना है। दूसरा, अपनी चलन बहुत रॉयल ऊंची रखनी है। हम ईश्वरीय औलाद हैं, इसलिए बड़ी रॉयल्टी से चलना है। कभी भी रोना नहीं है। वरदान। साधारण जीवन में भावना के आधार पर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद हैं। बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं। आज का करोड़पति भी साधारण है। साधारण बच्चों में भावना होती है, और बाप को भावना वाले बच्चे चाहिए, देह भान वाले नहीं। ड्रामानुसार संगम युग पर साधारण बनना भी भाग्य की निशानी है। साधारण बच्चे ही भाग्य विधाता बाप को अपना बना लेते हैं, इसलिए अनुभव करते हैं कि भाग्य पर मेरा अधिकार है। ऐसे अधिकारी ही पद्मा पदम भाग्यवान बन जाते हैं। स्लोगन। सेवाओं में दिल बड़ी हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। ओम शांति। आप दृष्टि सागर में गहरे उतर जाऊं।